कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने घोषणा की थी कि दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी होगी, जिसके बाद शराब के शौकीन इंतजार करने लगे कि आखिर कैसे और कब से शराब की वो होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत के लिए विक्रेता आज से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने शराब की डिलीवरी को लेकर संशोधित नीति भी लागू की है। आबकारी संशोधन नियम 2021 के अनुसार आज से L13 लाइसेंस धारकों को ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। पहले ही यहां पर क्लियर कर दिया जा रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आम व्यक्ति हैं और आप सीधा ऐप के जरिए या फिर वेब पोर्टल के जरिए शराब अभी से मंगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पहले जो शराब विक्रेता हैं उनको आज से लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद ऐप जारी होगा, तब जाकर आप तक शराब पहुंचेगी। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई भी डिलीवरी नहीं की जाएगी। 1 जून को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद ये घोषणा की थी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, ओडिशा ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहां शराब की होम डिलीवरी की इजाजत है। अब जरा इनको लेकर नियम भी जानने होंगे। नए नियम के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी, केवल होम डिलीवरी होगी। जैसा कि पहले ही मैंने बताया, लाइसेंस धारक किसी को भी अपने परिसर में शराब पीने के लिए नहीं बेच सकते। दिल्ली में मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान थे, लेकिन ईमेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए रिक्वेस्ट की जा सकती थी, लेकिन दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं की गई। दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 2020 में जब मई महीने में लॉकडाउन खोला गया था, तो शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों को कोरोना और देह से दूरी के मद्देनजर शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। इसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ये घोषणा की और आज से विक्रेता लाइसेंस ले सकते हैं, उसके बाद ग्राहकों तक वो शराब आसानी से पहुंचा सकते हैं।